अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्लान था कि हम ब्लॉग बनाएं। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और सईद साहब ने, ये सईद साहब है, इन्होंने प्लान बनाया कि जाते हैं किधर बाहर आउटिंग के लिए। जगह फिलहाल डिसाइड नहीं हुई, निकलने का प्लान है। और अभी बज रहे तकरीबन, नमाज़ पढ़कर हम आए हैं जोहर की, और 1:30 बज रहा है। और अब प्लान है बाहर जाने का। इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, आपको भी साथ हमने क्या ब्लॉग बनाने के, आप लोगों को पता लगे व्यूवर्स को कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो तो बाकी पता लगेगा बाद में कि हम कहाँ जा रहे हैं, डिसाइड करेंगे बाद में। अब गाड़ी में हमने बैठना है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो थोड़ी हमारी गैराज में खड़ी होती है गाड़ी, थोड़ी बाहर करके, थोड़ी सी बाहर। हाँ, तो असल में काफ़ी दिन से हम लोगों ने गैदरिंग की हुई थी, बहुत बोरियत हो रही थी, तो हमने कहा क्यों नहीं, आज संडे भी है, मौसम भी सुहाना है और दिल भी दीवाना है, चलिए चलते हैं कहीं बाहर इंजॉयमेंट करने, लंच करने। तो इसीलिए अभी हम तीनों दोस्त जा रहे हैं, मस्जिद कहाँ जा रहे हैं वहाँ पर चल के आपको बताएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं हबीबी, जो कि गैरिजन पार्क के बिल्कुल साथ है, और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? और द वन एंड ओनली हमजा मलिक, अच्छे हैं सब, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो सर सईद खान फरमा रहे थे कि हम लोग जाते हैं थोड़ी आउटिंग के लिए, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखें वेदर, हवा चल रही है, और अंकल रबाब बजा रहे हैं काफ़ी अच्छा। तो आज हम आपके शेयर करेंगे यहाँ का मेन्यू और कैसा इधर का मेन्यू है, और एंजॉय करेंगे हमारे साथ। खाने का जो इंतज़ार होता है ना, वो सबसे मुश्किल काम है। तो अब आगे खाना हमारा, और ये है मलाई हांडी, शिकल से तो बहुत अच्छी लग रही है, और ये चाइनीज़ फ्राइड राइस, और इसके साथ ही रोहनी दाल और रायता। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे पास मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आइए। मैंने तो हमसे पहले से बता चुका हूँ। जी जी, बता दी यार, देर ना कीजिए, प्रवेश चूहे भाग रहे हैं। खैर, अल्लाह खैर करेगा। और सर की जो है वो चूहों जैसी खुराक होती है, वो आप देख लें। नहीं, चूहे टॉपिक भी बहुत बड़ी चीज़ बताई, चिड़िया जैसी। तो खाना टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। शिकल से तो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। अरे, तो खाना ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। काफ़ी मज़े का टेस्ट है। और हम लोगों ने पिछली बार हुजरा गए थे, उसकी अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और जैसे इसमें गाजर डली हुई है, अंडा डला हुआ है, सब चीज़ों का एक मिक्सचर जो है ना, टेस्ट आ रहा है, काफ़ी मज़े का। आप क्या कहेंगे? ज़बरदस्त है हमजा भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया यार, माशाल्लाह मज़ा ही आ गया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है, लग रही है शिकल से। और बिस्मिल्लाह, ऐसा जायका कि बयान नहीं कर सकता। और जो राइस थे उससे ज़्यादा मज़े की है,
और मलाई का और मक्खन का और देसी घी का जायका आ रहा है। और जैसे नेचुरल फीलिंग्स आ रही हैं। चल झूठा। और काफ़ी मज़े का रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप आएँ ये ज़रूर खाएँ, क्योंकि जो टेस्ट है, और साथ रोगनी नान ज़रूर खाएंगे। रोगनी नान का जो इसका मज़ा है वो बहुत ऊपर चला जाता है। अच्छा, आपको कैसी लगी सईद भाई? माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, मेन्यू का काफ़ी अच्छा है। हम भी रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप आएँ छुट्टी के दिन, तो पेशावर में यहाँ पे गैरिजन पार्क के बिल्कुल साथ ही है अभी भी रेस्टोरेंट, ठीक है, फुल इंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ और अपने संडे को स्टूडेंट बनाएँ। अच्छा जी, तो खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लिया था, और उसके बाद बीवी ने तो हम लोगों ने कावा होना चाहिए, कावा भी आ चुका है। और पिशोरी वाला हम लोग काम कर रहे हैं, तो पिशोरी जो कावा मस्ट होता है ना, तो कावा आ चुका है, ये कावा आ चुका है, ये कावा डालते हैं। चीनी तो नहीं डली, चीनी ले रहे हम लोग, खुशबू कावे की इलायची से भरपूर। और ये आप देखें माहौल चेक करें, और झूले उधर साथ ही गैरिजन पार्क है, तो ठंडक जो है वो भी ठंडक, पेशावर की ठंडक आज काफ़ी ज़्यादा है बादल आए हुए, और इसमें कावे का तो अपने ही स्वैग है। धुएं देखें दोस्तों, धुएं, वाओ, बड़ा मज़ा करेगा, इतनी सर्दी भी पड़ रही है और अब कावे का भी अपना अलग सा मज़ा आएगा। ओके, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी से निकलने के बाद सीधा सीधा मैकडोनल्ड। ठंडक आपने भी अंदर कहा है कि गरम गरम कावा पीना चाहिए, अभी आप सर्दी में कह रहे हैं गर्माइश में ज्यादा असल में हो, तो बात नहीं है, देखिए मैकडोनल्ड का एमके बादलों में, बादल तो नजर ही नहीं आ रहा फिलहाल मुझे इनके पास। तो चलिए, अच्छा देख लेते हैं अंदर जाके, मैकडोनल्ड में जाके देख, गाड़ी ड्राइव थ्रू तो नहीं, अंदर जाके बैठते हैं ना। चलो स्पॉन्सर, किसने स्पॉन्सर किया? मैकडोनल्ड ने स्पॉन्सर किया है। चलो, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, एक कौन खानी है क्योंकि सब्सक्राइबर है दो तीन असल में। चलो चलो ठीक है, ठीक है, चलो ना, क्या सीन है अब? यार ये बंदर जो है वो इतने ज्यादा खर्चे वाला नहीं है, बस एक कौन खिलाएगा बस, क्योंकि तो ज्यादातर तो हमने सब कुछ खा ही लिया है, तो बस एक कौन खा लेंगे, हाजमा हो जिससे मैं बराबर हो जाए, मीठा खा लेंगे, मीठा खा लें। चलो ठीक है, चलो यहीं पर बैठने हैं आपने, आप इस बैठे। चलो बनाए ना आप, यार आप बनाए, वेट पूरी नहीं आती आपके घर पे, वेट का खैर है, मसला कम हो जाएगा। चलो आ गई है, आप बिजी होके बैठ गए। ये आ रहे हैं अब्दुल्ला भाई आइसक्रीम लेके, खैर से आ गए हैं। ये ले आपका, ये हमारा, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। और आपका कहाँ पर है? आपको आइसक्रीम नजर नहीं आती? ओ ये, चलिए अब्दुल्ला भाई कैसी है? सईद भाई आपका क्या सीन है? टेस्ट करके बताते हैं। तो कब करेंगे आप? चलो
गर्म गर्म खाना और कहीं पर पीने के बाद मजा आ गया। मजेदार मजेदार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गाड़ी कहाँ पर है यार? ये गाड़ी है। अच्छा ये है हमारा ड्राइवर साहब। गाड़ी आपके जो गाड़ी के पास जा रहे हैं। तो ये किधर है गाड़ी? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अच्छा बात करें गाड़ी, आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया, तो इसलिए अब हम गाड़ी बेचते हैं उसी में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, सभी रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान में मजे की बात यह है, जो चीज महंगी कर ले उसको शार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आराम आराम से वो महंगी हो जाती है, लोग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी अभी हम वो पहले खुदकश था मांगे थे, लोग डरते थे, अभी खुदकश था भाई को हमने वो क्या टेंट लगाई हुई की बैठे हुए क्या करे, खुदकश के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम अपने घर में पहुंच चुके हैं, और उम्मीद करता हूं जैसे हमने संडे इंजॉय किया आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। अभी हम वीडियो का इधर एंड करेंगे, और एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नए ब्लॉग के साथ।